डिवीजन पात्रा में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई है। व्यक्ति एक दुकान पर मुनीम लगा हुआ था। दो बाइक सवार व्यक्ति दुकान के अंदर आए और तेज धार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मृतक की लाश पोस्टमार्टम सवाना के लिए रवाना कर दी है। कार्रवाई में पुलिस जारी रखी है अपनी। मृतक का नाम ईश्वर सिंह गांव बागा के रहने वाला है। मौके पर पहुंचे शिवसेना प्रधान कुक्का जी ने इस कत्ल को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। प्रशासन से अपील की है कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आप देख सकते हैं प्राइम बीकी न्यूज चैनल के लिए गुरमेज राणा की रिपोर्ट पातड़ा से। देखो जी जांच कर रहे किन्ने बजे की घटना है? करीब घंटा पहला की घटना जी। ठीक है। साढ़े तीन बजे की घटना हो सकती। साढ़े तीन चार बजे थोड़ा क्यों पता लगे इस बारे? सब तो थाने फोन आया से मुंडा जोड़ा जिसे सट मारी है यद भरा साढ़े को मुलाजम है। ठीक है। उन्होंने फोन आया तेरे भरा मार गया कुछ। ठीक है। उसी नाल दिन आए इतने मैं आके देखे तो काफ़ी लोगों का कट सगा जो अंदर देखा वो नब्ज चल रही थी। ठीक है। तो अभी फिर फटाफट कह भी पहले हस्पताल जाओ पहले जान बचा जरूरी है। उस तो पहला किसने देखे इनू? पहला किसी ने चकन की कोशिश नहीं की है। बाद चक रहे जो ठीक है फिर जिन्हें बंदे तो कट्ठे हुए फटाफट चक के गड्डी चले गए। ठीक है। सर लड़के का की नाम सी जी? लड़का ईश्वर है जी बंगा पिंड तो जी। अच्छा जी। ये मुनीम लगे होया इतने गुरभेज सिंह रकीत सिंह आड़ दिते। अच्छा जी। सर कायदा कतल के कारण कुछ है? कारण देखो जी हम तफ्तीश की जा रही है कारण का पता लग जूगा जल्द ही केस ट्रेस कर लाँगे। कोई लुट हो वगैरह दी सर कोई इस तरह लुट हो बारे अजे फिलहाल कोई अजे गलबात समझ नहीं आएगी तो क्योंकि तिजोरी के कुछ पैसे 3 लाख के करीब पे ने तो मालक ने जो दस दिए 8 लाख रुपया लेके आए थे 5 लाख किसी ने देता गाहकों को 3 लाख रुपया हो सकता है वो इतने पे है। फिर इस दिन हो रही है पंजाब के सरेआम लुटा खोह हो रही है रोज कई तरह अमृतसर की घटना हुई है निरंकारी कांड उस तो अगले दिन अपना उत्तों के मुकेश शर्मा पता नहीं की नाम उन्होंने उन्होंने सरेआम बाजार के दो नौजवान आए गोलियां मार के अजे तक खड़े नहीं गए रामपुर खोल रही है रोज घटना हो रही है। तो हम तुम प्रशासन तो की मांग करते हैं? प्रशासन तो मांग नहीं करता मैं सरकार तो मांग करता है सीएम साहब तो मांग करता है कि पंजाब ने बड़े माड़े दिन देखे ने तुम पंजाब के नाल इस तरह का बर्ताव ना करो सख्ती नाल पेश करो पंजाब नो पंजाबियों नो पहला बड़े माड़े दिन देखने पे ने हजारों मावां के पुत चले गए हजारों भैणों के सदे संधूर उजड़े ने किन्ने निहत्थे लोग मारे ने पंजाब 20-30 साल पिछे चले गया कि मुड़ के पंजाब नू इसलिए तो पंजाब ना आवे इसलिए अपन सरकार नू चाहिदा है कि अहिजे अंसरां दे खिलाफ सख्ती लगे।